हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के कुकिंग ब्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और उसका नाम है प्रॉन्स बटर मसाला। ये प्रॉन्स बटर मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हो तो आपके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ये कुकिंग ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो फिर चलिए आज के इंटरेस्टिंग कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो प्रॉन्स जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसके अंदर जो काला धागा होता है वो भी निकाल लिया है और इसे 4 से 5 बार मैंने अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले मैं इसे हल्दी और नमक से मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी और उसके बाद मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हल्दी, नमक और नींबू को हमने प्रॉन्स पर लगा लिया है। अब इसे मैं 10 से 15 मिनट मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी और तब तक मैं टोमेटो पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सब बना लेती हूँ। सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। रेसिपी बनाते बनाते मैं आपको सारे इन्ग्रीडियंट्स दिखा दूंगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी 1 चम्मच तेल और ये है अमूल का बटर, ये मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। कढ़ाई में बटर डालने से पहले तेल जरूर डालिए, उसकी वजह से बटर जलता नहीं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने इसे एकदम फाइन चॉप किया है। प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी हमने प्रॉन्स मैरिनेट करते वक्त भी डाली है, इसलिए अभी मैंने सिर्फ 1/2 चम्मच हल्दी डाली। इस वक्त गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अब देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें अदरक, लहसुन, हरा धनिया और 2 हरी मिर्च, इसका मैंने एक पेस्ट बनाया है, वो डालूंगी। इसमें 7-8 लहसुन की कलियां है, 1 इंच अदरक है, 1 मुट्ठी हरा धनिया और उसी के साथ 2 हरी मिर्च है। तो इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड करती हूँ। ये है होममेड मालवनी मसाला, ये मैं डालूंगी 2 चम्मच। इस मालवनी मसाले की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर अमेज़न पर ये मसाले ऑर्डर कर सकते हो। उसी के साथ ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। उसी के साथ मैं डालूंगी मटन मसाला, ये 1 चम्मच है। इसकी जगह पर आप फिश करी मसाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मटन मसाले से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे हम 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े टोमेटो की पेस्ट। अब इस सारे मसाले को मैं तेल छूटने तक अच्छे से फ्राई करूंगी। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखी है। इसे मैं 2 मिनट ढक देती हूँ ताकि इसके छींटे पूरे गैस पर ना उड़े। देखिए, 2 मिनट मैंने इसे ढक दिया था और आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अभी मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डालूंगी क्योंकि प्रॉन्स को भी हमने मैरिनेट करते टाइम नमक लगाया है, तो ये नमक मैंने बस मसाले के लिए डाला है। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स डाल लेती हूँ।
गैस की फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखी है और इसे हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे मसाले के साथ। प्रॉन्स को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट में प्रॉन्स अच्छे से पक जाते हैं। इसमें मैंने जो मालवनी मसाला यूज़ किया है उसमें मिर्च पाउडर के साथ सारे गरम मसाले होते हैं, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा गरम मसाले नहीं डाले हैं। पर अगर आपके पास मालवनी मसाला नहीं है तो आप मिर्च पाउडर के साथ गरम मसाला पाउडर डालिए। आपने हमारे इस चैनल पर प्रॉन्स के वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे क्योंकि मेरे फैमिली में प्रॉन्स बहुत पसंद किए जाते हैं, तो मैं इसे बहुत बार बनाती हूँ और हर बार मैं ये कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग ट्राई करूँ। ये देखिए प्रॉन्स 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। इसी मिक्सर जार में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और टोमेटो पेस्ट बनाया था, उसी में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और अब यही पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। अब इस ग्रेवी को मैं उबलने दूंगी। अब देखिए इसमें उबाल आ चुकी है। अब मैं इसे ढक देती हूँ और स्लो टू मीडियम गैस पर मैं इसे 5 मिनट पकने दूंगी। प्रॉन्स को पकने में कितना टाइम लगता है ये उसकी साइज पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है ये प्रॉन्स 5-6 मिनट में अच्छे से पक जाएंगे। देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे एक बार बीच में से हिला भी लिया था ताकि वो नीचे ना लगे। और आप देख सकते हैं हमारा प्रॉन्स बटर मसाला अच्छे से रेडी है। ये देखिए प्रॉन्स बहुत आसानी से टूट रही है, एकदम सॉफ्ट पकी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ और बाद में मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगी। ये प्रॉन्स बटर मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। अभी तो इस पर आपको तर्री नहीं दिखेगी लेकिन जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आपको इस पर अच्छी सी तर्री आती हुई दिखाई देगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इस पर कितनी अच्छी तर्री आई है। चलिए इसकी सर्विंग कर देते हैं।